अब मजा आएगा ना चमचा। बच्चों शर्म नहीं आती है? मतलब तू इस तरह पूरे घर को झूठा दूध पिलाता है? मैं अपनी चक्की निराली जी को तेरी हरकत बताता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं चोर नहीं हूँ। माफ कर दो, तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे मैं इस घर से साफ करूंगा बेटा, साफ। नहीं नहीं शौकत भाई, आप समझ लो प्लीज। हर चोर ऐसे ही बोलता है, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं जानू निराली जी को पता नहीं। नहीं 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 देख बात, क्या मेरी घड़ी तोड़ दी? देखो बात पता क्या, मैंने असल में तुम्हारा सूप जो है ना वो चख लिया था, वो इतना बदजायका था। बकवास बंद करो, अपनी नोक कर। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम इस बेचारे शौकी के सूप पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से, चलो जाके वो टेबल से प्लेट उठाओ और डिनर सेट जो नया रखना है वो रखो। चलो अच्छा ठीक है, जल्दी करो। हाँ हाँ, शौकी भैया वो नया वाला डिनर सेट कहाँ रखा है? चल खुद जाके ढूंढ ले, मेरा खून निकाल दिया तूने। चल निकल यहाँ से, चल चल। काम का ना काज का दुश्मन है नाच का। दुआ जी कोई बात नहीं, वो मलाई और आ जाएगी। खैर है, वो करता रहता है ऐसी हरकतें। वो दुआ जी ये बात नहीं है। हाँ? क्या है? तो मुझे डाउट में डाल दिया। मुझे डाउट इस बात का कि सूप क्या बद जायका है। बहुत अच्छा सूप है शौकी, मैं जब तुम्हें कह रही हूँ। देखो कहाँ गया ये शक्ल से, कितना अच्छा है। लोगों को बता सकूंगी वाकई अच्छा है। प्लीज गमन 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 गमन। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सोजी, थैंक यू। अब पता है मेरे में वो आ गया है, आपका कॉन्फिडेंस। शौकी भाई आ जाओ, मुझे बुला दे, मैं सूप लेके जा। सोजी थैंक यू। और कितने शौकी जल्दी आओ, आओ पुलाव आ गया भाई, पुलाव। तो लेडीज और हजरात गौर से सुनिए मेरी बात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन और आज की रात बहुत यादगार रही है, तो इसे मजीद चांद तारे लगाने के लिए पेशे खिदमत है शौकी के यक के बाद दिख रहे लजीज खाने। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी मेहनत की है इसने। और जैसा अच्छा खाना खाने के बाद लोग अपनी उंगलियां चबा जाते हैं, आप लोग अपने अंगूठे भी चगा देंगे। भाई आपका बॉय तो बहुत ही मकौलिया, बहुत ही फनी है, बहुत ही फनी है। मैं क्या आशक साहब, बिस्मिल्लाह करिए। है ठीक, और गल छोड़ो, तुसी भी थोड़ा थोड़ा पा लो। हाँ आप मैं तो डाइटिंग थे, मैं सिर्फ लस्सी पियांगा। अरे आप बाकी सब छोड़े, ये ले करेले। करेले वाह करेले, डिश है करेले, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। रोटी तो फड़ा दे। लगता है सर को बहुत ही अच्छा लगा, झल्ले हो गए सर्दी। वो क्या बात है, क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? है क्यों की? एक मिनट, हेलो हेलो, बस बस से। अरे अभी तो ये स्टार्टर था जी, अभी तो इतना कुछ पड़ा है। स्टार्टर ऐसा है तो मैं मेन मेन्यू कहता हूँ। अरे और ले, और ले। मीठा मीठा मीठा।
हेलो हेलो खीरमाल के साथ ले ले वो ले ले। हाँ 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 मजा आ जाना है। दाल का हलवा है और लस्सी पी लस्सी पी। बस डायलॉग डायलॉग सर डायलॉग। मैं मर गई है लालत है की कीता शौकी है की कीता है जहर जहर बनाया तू मारना चाहता है मेरा फ्यूचर किल कर दिया तूने अब क्या होगा। आपका क्यों हो गया है आशिक ब्रदर आशिक तुसी तो ऐसे सीसी कर रहे हो कि पता चले कि अगला गाना ही ना बाजी के साथ बना दिया कि मिर्ची लगी है मेरे मुंह में। बस कर दे खानदान खुल जासी। अच्छा आशक साहब गल पता है क्या है अपना जेड़ा बबरची है ना नवा है वो आया लाहौर शोर तो उन्हें पता ही कुछ नहीं कि कराची वाले मिर्चा बड़ी खांदे ने तो उसने डबल मिर्चा पाती है। ओ भाई कराची वाले खाने में मिर्चे इतनी डालते कि इंसान खा सके इसने तो इतनी डाली कि तोता भी नहीं खा सकता। प्लीज आप माफ कर दें हमारी ये गुस्ताखी माफ कर दें हम वादा करते हैं अगली दफा आपके हाथ से आपके लिए खाना बनाएंगे और आपको खिलाएंगे। अरे आपको तो सात गुना माफ है सात गलतियां माफ है बस आपकी ना ऊपर वाले सुर थोड़े से हिले हुए वो ठीक करने पड़ेंगे उसके लिए आपको एक उस्ताद की जरूरत है। जी जी जैसा आप कहें इंशाल्लाह वैसे ही। और दूसरी बात सुबह उठते ही ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करें ब्रीद इन ब्रीद आउट उससे ना आपका गला खुलेगा आप रियाज अच्छी तरह कर सकेंगे आप शबनम जी की तरह। जी आहो जी मैंने तो गाइडेंस दे दी है बता दिया है कि पहले ना 10 सेकंड तक मुंह से सांस अंदर लेनी है मींस इनहेल और फिर 20 सेकंड के बाद ना नाक से पार निकाल देनी है मतलब एक्सहेल। अब रहने दो इतना तो मेरा सांस ही है जितना तुमने कटवा दिया है जी आप जैसा कह रहे हैं ना वैसा ही होगा आप बिल्कुल फिक्र ना करें उसी तरह बस मेरा ख्वाब पूरा कर दे। चलो जी फिर हंसते रहो मुस्कुराते रहो जल्दी मुलाकात होगी जीते रहिए खुश रहिए अच्छा चलता हूँ। सी यू। ये शौकी कहाँ है? शौकी हाथ खींच लेके आने के लिए सॉरी फिर आपने अच्छा नहीं किया जोया जी। क्या क्या किया मैंने? आपको भी अच्छी तरह पता है कि क्या अच्छा नहीं किया बने माता क्या शौकी मैंने क्या बनाया है? अरे जाने दीजिए जोया जी सब पता है आपको अभी निराली जैसी कंबल ब्रेड करती ना कि बॉडी का कोई हिस्सा नहीं होता और इसमें दर्द नहीं होती लंग से लेकर किडनी तक सब डैमेज हो जाता आपको क्या मिलेगा एक मासूम आदमी की नौकरी खा के आपको क्या मिलेगा? थैंक यू बोलोगे तो मुझे थैंक यू का मैसेज भी करोगे जब तुम्हें पता लगेगा मैंने कितने बड़े अजाब से तुम्हें निकलवाया शौकी ये रोजी रोटी जाएगी तो आगे अच्छी रोजी रोटी मिलेगी तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ तुम समझ ही नहीं रहे हो। जाने दीजिए जोया जी आपको क्या पता ये नौकरी हासिल करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे कितनी कोशिशें की थी आपको पता है मुल्क का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ गया वो हाय और ऐसे सबके अंदर हम एक बच्चे की नौकरी छीन रही है। सॉरी बट सॉरी प्रीति आप सॉरी मोहतरम जनाब शौकी साहब तशरीफ ले जाइए आपका बुलावा आया है माय लॉर्ड की तरफ से लेकिन फिकर नॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल हम आपके जाने के बाद आपके कोल भी कराएंगे और चेहलम भी हाँ ऐसा नहीं है हम आपको भूलने नहीं देंगे आपको बिल्कुल। एक तो ना खामखा में ना चिल्लाया मत कर और पता है दुनिया में ना हाँ, फिरौन के बाद तेरी टाइमिंग बुरी है बेटा जा पता चलेगा जा शुक्र तो नहीं करे ना नहीं।
बनाए तो। ओ बंटी जी मैडम जी, ऐसा सामान चुक के बाहर रख दे, एनु चलता कर रहे थे। सामान बांध भी दिया और बाहर रख भी दिया, बस आप ऑर्डर करें ऑर्डर। एक बार फिर मेरे ख्वाब उजड़ते उजड़ते बच गए हैं। मेरी गुलुकारी की, मेरी गुलुकारी की मांग में शोहरत का सिंदूर, रंगीन सिंदूर बनने ही वाला था, तुम मनहूस मनहूस ने चीख मार दी। एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा, गेट आउट। फिराड़ी जी मेरा कोई कसूर नहीं है, आप ऐसे मुझे निकाल देंगी तो। मैंने कहा था ना आपको भी वफादारी दिखानी पड़ेगी, तभी मैं वफादार नौकर रहूंगा। अगर मैं इस घर से निकाला गया तो मुंह खोल के जाऊंगा। अभी खोलूं क्या, पागल हो गए तेरे दिमाग में जा रहा है। ओ छट्टी जान दे ऐसा छोड़ा मुंडा है, शक्ल ताके दिन हीरो लगता है, फिल्म आना है भाई, वो खाना खूड़ा बड्डी सिखा देगा इसको, कोई गली चौकीदारा बहुत चंगा करता है, सारी रात फिरता है कि चोर ना आ जाए। छोड़ दे जान दे, माफ कर दे। और ये बड्डी, ये मोटा हर वेले खांदा है, वो फिर जाके बाथरूम में बैठ जाता, सारा वक्त इसी तरह गुजरता है, खाके ते बाथरूम। नहीं नहीं शीते जी, ऐसी भी बात नहीं आएगी। अच्छा, ये जो आप हमारा हाउस इतना क्लीन और सेट देख रहे हैं ना, बिहाइंड द कर्टन हैंड बंटी का ही है। अच्छा, आहो बहुत शुक्रिया। तेरे को तो मैं जाऊंगी। ओए शौकी चल ला बाने, तुम निकल जा, मैं तुम्हें एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी यहाँ पे, गेट आउट। सॉरी वो निराली जी, आप मुझे नहीं निकाल सकती। ओए क्यों? क्योंकि मेरे पास वो है जो आपको कोई भी नहीं दे सकता। ऐसा क्या है? मेरे पास उस्ताद की ताकत है। हाँ उस्ताद, उस्ताद जी, और वो कोई ऐसे वैसे उस्ताद नहीं है, बहुत ही पहुंचे हुए उस्ताद है, अरे लखनऊ के बड़े घराने के उस्ताद जी। अरे मैं क्या बताऊं उनके बारे में, अरे लता मंगेशकर से लेके किशोर कुमार तक, अरे मैडम नूर जहां से लेके अनायत हुसैन भट्टी साहब तक, अरे किसने उन्हें दाद नहीं दी, किसने उनसे सुर सीखा नहीं। अगर एक बार वो इस घर में आ गए ना तो आपको तो डायरेक्ट मलका तरनुमी बना देंगे। हो नहीं तो क्या। अरे सोचिए निराली जी, पूरी दुनिया में आपके फैंस ही फैंस हो, बेथोवन और मोज़ार्ट अपनी कब्रों से निकल के आपको दुआएं दे रहे हैं। वाह, वेम्बले अरेना में आपका कॉन्सर्ट, एक तरफ बियॉन्से, एक तरफ टेलर स्विफ्ट, एक तरफ रिहाना, सब आपसे चल रही है। शोहरत आपके कदम चूम रही है, और लानत आपका मुंह। क्या? उनका मुंह चूम रहे हैं जो आपसे चलते हैं। सोचिए निराली जी, सोचिए। हाँ बिल्कुल सही, तो फौरन उस्ताद का इंतजाम कर, मेरे ऊपर वाले सुर जो है ना उनको सेट कर रहे हैं मेरे फौरन, और मैं जाके ना गूगल पे ये रियाना और इनके ना टेलर स्विफ्ट के वार्डरोब चेक करती हूँ। और बंटी किचन का सारा काम जो है ना तेरे जिम्मेदारी, और इसको समझा देना, ठीक है? फौरन ओके, जल्दी करो। हट के जावा छोटी। तू कहाँ जा रहा है? कल छोड़ो छोटी, वाकई उस्ताद है कोई? अरे मैं कह रहा हूँ सब तैयार हो जाओ। हाँ। अब इस घर में उस शाहकार की एंट्री होने वाली है। हाँ। जिसे देखने के बाद सब लोग बाकी सपोर्टिंग एक्टर को भूल जाएंगे। हो चुका भाई। अरे डैड व्हाई डोंट यू बिलीव मी, मैं गारंटी लेता हूँ सर से लेके पैर तक ऐसा गेटअप बदलूंगा, ऐसे बेरूपिया बनेंगे आप कि किसी का बाप तक नहीं पहचान पाएगा कि आप मेरे बाप हैं। हाँ, और फिर जवानी में तो आपने ऐसे बड़े बड़े उस्तादों के छक्के छुड़ाए, ये तो आपके दाएं हाथ का काम। और मैं भी जाऊंगी आपके साथ उस्तानी बन के अपने बेटे के पास इसका ख्याल रखने के लिए। ये जो तुम्हें आजकल बहुत चाव चढ़े है ना अपने लाडले की खिदमत करने के, मैं तो कहता हूँ एक काम करो, सुरैया खानम बनकर तुम चली जाओ वहां पे। अमीन साहब सौ बिस्मिल्लाह, चली जाती मैं, फौरन चली जाती मैं, लेकिन उस मनहूस ने उनके सामने ना वो शनाख्ती कार्ड के अंदर अपने उस्ताद की जिंदर वो औरत नहीं रखी ना। मिल मीठिया का, अरे मुझे नहीं और खाना है, आप मेरी बात तो क्यों नहीं समझ रहे? देखिए आपको बस वहां जाना है, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, थोड़ा सा हा हू करना है, वो लोग मान जाएंगे, एक नंबर के बेवकूफ है वो, निराली को तो वैसे ही म्यूजिक की कोई सेंस नहीं है। और नहीं तो क्या। अच्छा चलो मान लिया मैं चला गया, लेकिन ये बताओ कि मैं निराली बीबी को सिखाऊंगा क्या? अरे डैड जबरदस्त सबक, क्या बात कर रही हैं आप,
अरे मैं एक बिल्कुल सीधा सादा सा आदमी हूँ, मेरी तिजोरी में कौन सी कोई सारे गा मा पा दा नी सा का खजाना लदा हुआ है जो मैं निराली बीवी को ट्रेनिंग दूंगा। अरे बस यही करना है, ये जो भी आपने किया ना सारे गा मा पा दा नी सा ये करना है, इसके साथ थोड़ा और गहरी गहरी बातें डाल दीजिएगा, जैसे मुर्गियां राग भैरवी ऐसी बातें करेंगे वो बेवकूफ औरत मान जाएगी। और कोई टेंशन हुई तो आपका बेटा है ना मां। देखो मेरी बात सुनो, अगर निराली बीवी ने मुझे पहचान के अमीन नौकर की आवाज लगा दी ना, मेरे मुंह से जी बीवी जी निकल जाए। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, सारी जिंदगी ना अमीन साहब कुए के मेंढक ही रहिएगा। शाहरुख मुझे मौका देना, आखिर कसम ऐसा राग सिखाऊं ना कि माजी के सारे दाग धुल जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, तय हो गया, बात खत्म हो गई, आप वहाँ उस्ताद बनके जा रहे हैं, एंड ऑफ द स्टोरी। ओके मुझे ऑफिस जाना है, वैसे भी मुझे देर हो रही है, इतना नखरे मत किया। बल्कि आप एक काम करें, हम दोनों देखते हैं डेमो। हाँ। डेमो दीजिए, पता तो चले आप क्या करेंगे वहाँ जाके। ये कहाँ फंसा रहे हो तुम मुझे, काम खामे में मैं क्या डेमो दूं, मैं वो कैसे करूंगा मैं वो। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बस इतना ही कर दीजिए, मुंह में क्या बात है, ये सेव मेरा हुआ और ये कैरेक्टर आपका हुआ। आई लव यू डैड, सी यू लेटर। रायान भाई ना के सिर्फ इस डूबती हुई कश्ती को छोड़ गए हैं बल्कि उसमें छेद कर गए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुनने में आया है कोई नया मुर्गा फांसा है तुमने, कब ले रही हो फैसला तलाक? बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? एक पैगाम देने आया हूँ, पैगाम दे के चला जाऊंगा। हरीम को कोई और मिल गया, उसे तुमसे तलाक चाहिए। चंद मेरे मखण थे कपल सके इधर थकण थे। ये हाल है दुनिया, तेरा ग्रूमिंग क्या बदल गई, कोई पहचानने को तैयार ही नहीं। देखो सर कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे सर? मैं ठीक हूँ, सब सेट है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक कप कॉफी पिलाओगे? जी अभी लाया बॉस। आप मोहित? जी सर। थैंक यू। वो मैंने थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि क्या कमाल कॉफी बनानी सिखाई यार तुमने, मतलब इट्स द बेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड। इतना फायदा हुआ ना मेरा, तुम इतने टैलेंटेड हो यार, तुम्हारा तो खुद का कोई कैफे होना चाहिए। थैंक यू रोमा सर, कभी किसी पेन को इतनी इज्जत से किसी ने नहीं नवाजा। अरे रोना नहीं प्लीज 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 रोना नहीं। वोहित ये तुम्हारे लिए। सर ये तो बहुत सारे हैं। अरे अरे कुछ नहीं है, ये लो। और सॉरी अगर कभी तुम्हारे से बुरे से बात की हो। इसे क्या बात करें सर? और हाँ मोहित ये कपड़े प्लीज ड्राई क्लीन करवा के मुझे दे देना। थैंक यू। थैंक यू। अरे मुंह तो बंद कर लो अंकल, मक्खी चली जाएगी। ये ले तेरे लिए, आ जा इधर ही बैठ। भाई आपने वेबसाइट देखनी है और उसको समझ लेना है, सारा नया कलेक्शन अपलोड हो चुका है, नई लॉन्च का भी सारी इस पे इंफॉर्मेशन डाल दी गई है। और मजे की बात यह है कि टपा टप ऑर्डर्स आ रहे हैं, शशके इज ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो फिर काम बढ़ेगा, तो ऐसा ना हो ना कि क्लाइंट्स डिसअपॉइंट हो। तो क्यों डिसअपॉइंट करना है, इंपॉर्टेंट बात है, हायरिंग कर ले। और जब हायरिंग हो जाएगी तो एक पर्सनल वर्कशॉप उनके साथ मैं भी कर लूंगा। हाँ ठीक है, गुड आइडिया, गुड थॉट। हाँ एक सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ पूछ। आर यू श्योर? या मैन आस्क। तबीयत ठीक है? हाँ क्यों? हाँ वो रंगत थोड़ी ऑफ लग रही होगी, दाढ़ी ओढ़ी भी। पता है मैं दो तीन दिन से सोच रहा हूँ किसी तरह थोड़ा टाइम मिले तो मैं सैलून जाऊँ, थोड़ा हाइड्रा फेशियल, थोड़ा दाढ़ी, थोड़ा ट्रिम, थोड़ा। नहीं ये वाली तबीयत की बात नहीं कर, ये वाली तबीयत का पूछ रहा हूँ, ठीक है? सब खैरियत है? मतलब? नहीं मतलब ये कि अचानक से देख रहा हूँ कि इतने दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, फिर वो आदिम की जगह, फिर अब ये जनाने काम सारे, मतलब खैरियत है, हैं डिजाइनर। तू कब से ऐसी बातें करने लगे? मतलब सब्जी खरीदना खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम होता है, दुनिया के सबसे मशहूर शेफ मर्द है,
ये भी माना जाता है कि सबसे ज्यादा जायका मर्द के हाथ में होता है। ओह यस 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 ऑफ कोर्स यस यस। अबे क्या यस यस, कल को तूने भी अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए खुद खाना बनाना है, वरना यहाँ से ना फायर कर दूंगा मैं। ओके बॉस, ओके बॉस। और हाँ, पता है मुझे यहाँ लुक्स थोड़ी ऑफ है, गेटअप भी ऑफ है, पर कुछ राज है, खुलेंगे जरा धीरे धीरे। अच्छा सुन, याद आया एक जरूरी काम है, इन कैबिन्स के साथ साथ एक ये कैबिन और बना। कैबिन? नया कैबिन क्यों? फॉर समवन स्पेशल। हमेशा यही होता है, जिसके पास पावर होती है वो टैलेंटेड इंसान को दबा देता है, उसको उसकी जगह नहीं देता। आई वॉन्ट ब्रेक दिस, मैं बदलना चाहता हूँ इसे, वॉन्ट चेंज इट। और इस नई जर्नी में ना हर मुश्किल की, वो क्या शीदा क्या कहता है, हाँ लत्ता पन देंगे। नाउ वाओ, वेरी थॉटफुल, सही, अच्छी सोच है। अच्छा एक वो मिक्स वेजिटेबल सूप कितनी देर में बन जाएगा? मतलब अपने ऑफिस में भी आके तेरे लिए मिक्स वेजिटेबल सूप बनाऊं मैं? तो एक काम कर, ऑर्डर करना यार, फॉर अ चेंज मैं भी किसी और के हाथ का खाना खाऊंगा। ओ शीदा जी, शीदा जी, पार्क में जाने का मतलब होता है एक्सरसाइज, जंपिंग, खुशबू लगा के बॉडी फिट रहती है। ओ यार मेरी तो जड़ी खुशबू है ना, महकने के बजाय बैठ गई है, ओए होए सांस चढ़ गई। ओ शीदा जी क्या करते हैं, ग्राउंड में जाने का मकसद ये होता है जॉगिंग, रनिंग। आपने दो ग्राउंड को छलांग मार के चार कर दिया, इसमें भी धांधली, वेरी गुड। ओ आशिक चौधरी, ओ जड़ी छलांग ना वो बड़ी होनी चाहिए, कदों तक टुक 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 खेलते बैठ गए, समझता नहीं है गल तुम। टुक टुक छोड़े, अब ये बताएं कि हमारा प्लान तो कामयाब हो गया, आगे का क्या प्लान है आगे? ओ भाई जड़ा ते है हो या सी 60% मेरा ते 40% तोड़ा। ना 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 ना, हिस्सा होगा बराबर 50-50। अब तो वैसे भी मैं कस्टमर से डायरेक्ट हो गया हूँ। आशिक चौधरी आजकल जड़ा वक्त चल रहा है ना, ऐ तो सारे नु पता है, जड़ा मिल रहा है ना गरीबत समझो, वरना मन पता है तेरा स्टूडियो कौए बोल रहे हैं, स्टूडियो है चाहो कोई कम शम नहीं आएगा। चलो बेशक कौए बोल रहे हो स्टूडियो में, बेशक मेरे गोडे गिट्टे रह गए हूँ, लेकिन दिमाग से पागल नहीं हूँ, अभी भी निराली जी मेरे कब्जे में है। आशिक मेरा नाम शीदा, ते जेड़ी मथा आउट होया ना मेरा, ते फिर तू तक लई, फिर मैं मौत जिंदगी ते फैसला नहीं कर सकदा, जेड़ा कुछ मिलदा चुप करके खड़ी जाओ बस, ए समझ ले गल। शीदा जी चिड़िया मेरे कब्जे में, एक दो दफा हाथ फेरने पर ना फैला देना तो मेरा नाम बदल देना। वैसे आशिक रब भी तेरे ते सही मेहरबान है, वो कहता है लुटी जाओ भाई लुटी जाओ। चल गल सुन, तू निकल मैं भी चला पार्क, पता नहीं निराली ने अपने जसूस ना छड़े होए ना इधर उधर, ठीक है? हाँ ऐ की करदा पिया है, हो जूगा भाई हो जूगा, हो जूगा भाई हो जूगा, हो जूगा भाई हो जूगा, हो जूगा भाई हो जूगा। पता नहीं किस किस से कॉस्मेटिक सर्जरियां कराती है ये निराली दीदी, कभी स्किन टाइट करवा लेती है तो कभी भवे खिंचवा लेती है। आज मैंने बोला बाजी मैं भी साथ चलती हूँ तो मना कर दिया कि नहीं, एक दिल में एक ही स्किन टाइट होगी। अच्छा? हाँ भला ये कोई बात हुई? बढ़ने की बिना कोई लिमिट होती है बंटी, मुझे तो लगता है ये निराली दीदी ना जलती है, जेलस होती है कि मैं कहीं उनसे ज्यादा ब्यूटीफुल ना हो जाऊं। बक्कू जी सुबह से आप मुझसे 3-4 क्रीमें बनवा चुकी हैं, या ब्यूटी क्रीमें बनवा रही हैं या दांत खारिश की दवाएं? ओ बंटी बकवास नॉट, ये जो निराली दीदी गाना गाएगी ना उसके वीडियो में मॉडल मैं ही बनूंगी, तू बस
Stay tuned. Model. किसी पुरानी गाड़ी का मॉडल जरूर लग सकती है आप. बंटी नीचे बैठ. Sit down. पंटे पंटे पंटे. बे शर्म बेहया बदतमीज. शर्म नहीं आई तुझे? अरे जिसके हुसन की तारीफ करता जमाना थकता नहीं, तूने उसी का मजाक उड़ा डाला. अरे लज्जा नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई तुझे? अरे मक्कू जी, मैं तो आपके हुसन की क्या ही तारीफ करूं. अरे बल्कि जब वो आशिक आया था ना, उसकी कंची नजरें देखते ही मैं समझ गया था कि चाहे उसका निशाना कहीं और हो, लेकिन नजर आप ही पर थी. अरे आपको खुद नहीं पता कि आप कुछ नहीं कर सकती यहाँ? सच, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, है ना? गप्पे कुमार है, गप्पे कुमार पे चुप कर. गप्पे कुमार का जल्दी से वो क्रीम फेट. अरे आपको देख के मुझे पता है क्या याद आता. अरे जैसे नूर जहां के गाने में शमी मारा, जैसे रूना लैला के गाने में रानी, और जैसे नसीबा लाल के गाने में नरगिस. तू चुप रहेगा? और बोला सही, बोला सही है. अरे आपको देखता हूं ना तो फिल्म की, आपको पता है अगर मैं मौला जट बनाता तो मेरी हीरोइन आप ही होते हैं. मैं तो कह रहा हूं कि ये छोड़िए, ये सब ये क्या है, ये सब ये जापानी टोटको से क्या बनेगा? अरे कोई देसी टोटको पे आए, हल्दी का लेप लगा, और वो कौन सा होता है कांटो वाला पौधा हरे रंग का, तेरे को तो पता होगा. बोल. एलोवेरा. हाय मैं सबके जाऊं एलोवेरा, वेड़े में बैठ के एलोवेरा लगाए, और फिर जो उसम के चमके आएंगे तभी तो बनेंगी आप. द वन एंड ओनली द मैजेस्टिक ब्यूटी क्वीन ऑफ द बिग स्क्रीन. मैजेस्टिक ब्यूटी क्वीन. हाय नाम में इतनी कशिश है ना. पशोकी, ये बात तूने मेरे हरीफ निराली बाजू को तो नहीं बताई ना? संवाद ही पैदा नहीं होता. मैं तो खुद नहीं चाहता उन्हें पता चले, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि लाइमलाइट उनके ऊपर से हटे, और इस घर की सारी लाइमलाइट बस आप ही पर है. बस ठीक है. बटी छोड़िए वो लाइटी टोटके, अब तू ना हल्दी और एलोवेरा का ना लेपा बना दे मेरे लिए. बस अब मक्कू के जलवे दिखाने का वक्त हुआ जाता है. पर तुम्हारे यहाँ से जाने का बिजली भर रही है मेरे अंग अंग में, टूटेगा वो. मैं गोरी हो जाऊंगी ना उससे. अरे गोरी? अरे आजकल गोरी खाने का किसको पड़ा है, लेकिन आप हसीन इतनी हो जाएंगी कि लोग चल के काले हो जाएंगे. सोयाजी, सोयाजी, सोया जी, क्या हालत बना दी यार. सॉरी. तुम क्यों चीख रहे हो? वो आप चीखी ना तो उसकी वजह से मेरी भी चीख निकल आए. कि तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया कि बिना परमिशन के मेरे कमरे में मत आया करो, तुम फिर आ गए. आर यू नट्स? नट्स ही आपको? नट्स है मेरे पास, काजू बादाम पिस्ता और थोड़े से चिलगोजे हैं उधर. शौकी जोया जी, मैं कमरे में आया था तो बहुत आवाजें दी थी, फिर से यहाँ देखा वहाँ देखा, यहाँ देख के भी आवाजें दी थी, लेकिन कोई बोला नहीं. तो फिर बोला नहीं तो इसका मतलब कि कमरे में कोई नहीं है ना? वॉशरूम में भी हो सकता है, वॉशरूम से आवाज नहीं आई तो मतलब बाहर चले जाना था ना. क्या कह रहे हो मेरे कमरे में? सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया. मेरे सामने थी अंग्रेजी, मन झाड़ा करो तुम. गलती से मिस्टेक हो गई, क्यों आए हो बोलो, क्या काम है? वो एक्चुअली वो मैं ना कभी लब को छेड़ती हैं, कभी रुखसारों को. तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है. जोया जी, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि आपने नौकरों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है. सर पे तो तुम चढ़ गए हो शौकी, और सफाई तुम्हारी करनी पड़ेगी नौकर. बस जोया जी, मैंने पहले भी बोला था मुझे कोई नौकर नहीं बोलेगा. डबल एम हूं, वो भी इकोनॉमिक्स में. तुम आ जाओ, जाओ यहां से. फाइन, कूल कूल, जा रहा है शौकी, पर अगर सफाई करवानी हो तो बुला लीजिए. ड्रामा जी बात नहीं है.
तिजकावे तिजकावे।